Please subscribe and press the bell icon for more videos. नमस्कार दोस्तों, मैं वेद महाजन, चेयरपर्सन ओरेकल पब्लिकेशंस, अ पैशनेट टीचर, अ योगा प्रैक्टिशनर एंड ए मोटिवेशनल स्पीकर। पहले तो मैं लाइफ चेंजर्स टीम इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, जिन्होंने इस आर ऑफ सफरिंग में लोगों को मोटिवेट करने का एक बीड़ा उठाया है, कैंपेन स्टार्ट की है। आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ वो है हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इन द प्रेजेंट कोविड सिनेरियो। पहले मैं एक आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा एम्पायर था। ड्यू टू बैड लक ही वॉज डिफीटेड बाय अनदर किंग एंड ही हैड टू फ्ले इनटू द वुड्स। जंगल में वो एक गुफा में रहता रहा, कुछ दिनों के लिए रहता रहा। देयर वॉज नथिंग टू ईट, नो लव्ड वन अराउंड। फाइनली वो इतना डिप्रेस्ड हो गया कुछ दिनों के बाद, ही डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ। सडनली उसे याद आया कि एक बार एक सिद्ध पुरुष ने उसको एक पेंडेंट दिया था गले में धारण करने के लिए, और उसने उसको मना किया था कि इसको खोलना मत जब तक कि तेरे को लाइफ में कोई ऐसी परिस्थितियां ना आ जाए, कोई बहुत बुरी परिस्थितियां ना आ जाए, तब तक तुम इसको मत खोलना। उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस पेंडेंट को खोला कि इससे बदतर और क्या मेरी स्थिति हो सकती है, मेरा रात पर चला गया सब कुछ, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरा कोई अपना मेरे पास नहीं है। तो उसने उसको खोला एंड व्हाट ही फाउंड इनसाइड वाज अ पीस ऑफ पेपर। उस पेपर पे एक मंत्र लिखा हुआ था। उसने फटाफट उसको खोला तो वो मंत्र क्या था, ये समय भी बीत जाएगा, ये लिखा था उस पेपर। उसने उसको पढ़ा, उसको एकदम स्ट्राइक किया, एक थॉट आई दिमाग में कि मैं इस समय जो प्रॉब्लम में हूँ, यहाँ पे केव में बैठा हुआ हूँ बिना किसी अपने के, बिना खाने के, तो मेरा ये समय भी जो है वो गुजर जाएगा। दैट मीन्स आई विल बी अगेन द दैट वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस एज आई वॉज बिफोर। उसको एकदम उसको एनर्जी आ गई, एक पॉजिटिव थॉट से उसको एनर्जी आ गई। उसने फटाफट दिमाग अप्लाई करना शुरू किया और अपने जो उसके साथ के जो आर्मी मैन थे, जो सर्वाइव कर गए थे उस युद्ध में और जंगल में छिपे हुए थे वो भी, उनको इकट्ठा करना शुरू किया एंड विद इन मंथ्स ही क्रिएटेड अ बिग आर्मी और उसने उस राजा पे दोबारा अटैक कर दिया एंड फाइनली गॉट हिज एम्पायर बैक। तो देखा आपने दोस्तों कि एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट जो था उसने हालात को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज पूरी दुनिया में कोरोना के कारण एक भयंकर माहौल है, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। बेशक बहुत कम हैं लेकिन सुसाइड के केसेस भी हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं। तो यही ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे हमें बड़े धैर्य, साहस और एक पॉजिटिव अप्रोच से चलना जरूरी है अगर हमने सरवाइव करना है। तो दोस्तों, कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। संसरति इति संसारा, अर्थात जो चलता रहता है वो चेंज होता रहता है, वही संसार है। कोरोना हमेशा ना था ना हमेशा रहेगा। अगर हम इस समय ये पॉजिटिव थॉट लेके ये समय भी गुजर जाएगा, कोरोना भी निकल जाएगा, चला जाएगा, इसके साथ पूर्ण ईमानदारी के साथ भगवान में श्रद्धा विश्वास रखकर पूरी पॉजिटिव अप्रोच से अपने डेली रूटीन में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो
ये अवश्य हम सफलता की ओर जाएंगे। और इट एक्चुअली हैपन्स जब हम किसी की चीज़ में विश्वास रख के करते हैं, उसको करते हैं पॉजिटिव अप्रोच से, तो वो हमेशा हमें उसका रिजल्ट मिलता है। एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन रियली। मेडिसिन आ गई है, वैक्सीन आ गई है, कुछ हफ्तों में हम तक पहुंच जाएगी और फिर हम इस कोरोना को हमेशा के लिए हराने में सफल हो जाएंगे। तब तक बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड एन्जॉय द लाइफ। बाय।